आप नीचे जो आपका लैपटॉप नीचे वाला एरो है उसको बढ़ाइए, नीचे वाला जो एरो है लैपटॉप पे नीचे वाला एरो करिए। सर देखिए जैसे डॉक्टर राकेश पंडित जी सर ने कहा था कि हमारे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें तो हमारे यहाँ 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, इसमें मेघालय और नागालैंड के मैं देखे तो बिल्कुल ही कोई केसेस नहीं है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का सर्वे है कि उन्होंने बताया कि ये जो 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं उनमें इम्यूनिटी पावर सर्वाधिक है हमारे देश में। तो जैसा कि राकेश पंडित सर ने बताया था कि जियोग्राफी वेदर और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज के कारण हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इस बात का उदाहरण है कि ये स्टेट्स इम्यूनिटी ग्रोमिंग स्टेट्स है। तो ये आयुर्वेद में जो हमारे देश काल परिस्थिति का एक बेस्ट उदाहरण है। फिर हमारे डॉक्टर पीसी सक्सेना सर ने जैसे कि बोला था कि अम्बानी लक्ष्य जैसे कार्य चल रही थी कि हमारे जो आज समाज में हर व्यक्ति पूछता है तो चाहे न्यूनेटल हो चाहे इन्फेंट हो चाहे एडल्ट लाइफ हो हमारी हमारी आयुर्वेदिक हर चीज की डिपेंडेंट पाथवे तैयार कर रही जिसके कारण से हमारी ड्रग काम करती है। हमारी ड्रग चाहे वो रासायनिक हर्ब्स हो या नॉन रासायनिक हर्ब्स हो कुछ ना कुछ मात्रा में इम्यूनिटी जरूर बनाती है। अगर ह्यूमन इम्यून सिस्टम को हम देखें तो जैसे कि डॉक्टर एन सिंह सर ने कहा था कि हमारी जो हर्ब्स है वो अग्नि पर कार्य करती है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। ये भी जो है सिद्ध हो चुका है रिसर्चेस से कि जो 20% लिम्फोसाइट्स होती है वो ब्लड में ब्लड मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल में 20% लिम्फोसाइट्स रहती है इसका मतलब 20% हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग का कार्य तो गली में रहने वाले लिम्फोसाइट्स ही कर देती है और हमारी सारी अधिकांश हर्ब्स जो है अग्नि पर कार्य करती है। तो ये जो एक हमारा सिचुएशन बनी है ये हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन बनी है आयुर्वेद के लिए कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारी अग्नि पर कार्य करने वाली औषधियाँ हैं वो ब्लड फ्लोरा पर भी कार्य करती हैं और इसीलिए हमारी कार्य हर हर कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर करती है। अगर मॉडल के हिसाब से देखिए डॉक्टर की रिक्वायर्ड और इम्यूनिटी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपको पर एक एलिमेंट्री मैं बता दूँ कि रिक्वायर्ड में जो है हमारी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं और इम्यूनिटी से जो इनिशियल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स मिलता है यानी बैक्टीरियल किलिंग सबस्टेंस जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो मैक्रोफेजेस और किलर सेल्स होते हैं जो हमारी लिम्फोइड टिश्यू के अंदर रहते हैं। अब हमारी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग हर्ब्स की क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है, इन्फ्लेमेशन या कैंसर जैसे भयानक रोगों से बचाती है। ये हमारी हर्ब्स का जो मुख्य कार्य होता है वो साइटोकिन्स, इंटरल्यूकिन्स, लिम्फोसाइट्स इन पर हो रहा है। ये रिसर्चर्स से सिद्ध हो चुका पूरी तरीके से और एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में आपने किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाया है तो उसका जो बेनिफिट है दुगना हो जाता है और हमारी सेलुलर इम्यूनिटी जो है बॉडी में एनहांस हो जाती है। अब हमारे इसमें याद आया कि डॉक्टर के यादव सर कह रहे थे कि भोजन में सबसे पहले हमें मधुर रस को लेना चाहिए। अब मधुर रस के द्रव्य जो होते हैं मधुर विपाकी होते हैं और मधुर विपाकी द्रव्य जो है कोलोइडल कार्बन को हमारी बॉडी से क्लियर करते हैं। कोलोइडल कार्बन को बॉडी से क्लियर करने पर रेटिकुलो एंडोथेलियल जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो इसलिए हमें मधुर द्रव्य भोजन में सर्वप्रथम खाना चाहिए। तो मैंने हमारी जो आयुर्वेद के पूरी ड्रग्स हैं उनको दो कैटेगरी में विभाजित किया, रसायन हर्ब्स और नॉन रसायन हर्ब्स। तो रसायन हर्ब्स तो डायरेक्टली हम कहते ही हैं, हम भी इम्यून सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल बेनिफिट्स हो रहे हैं, एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में काम कर रही हैं, मेमोरी और लर्निंग बिहेवियर को एनहांस कर रही हैं। और नॉन रसायन हर्ब्स जैसे कोकोनट हो गया, कालमेघ हो गया, ये भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को यानी वायरल इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करती है। तो हमारी कोई भी हर्ब ऐसी नहीं है जो कि इम्यूनिटी को रेस्पॉन्ड नहीं करती हो। बस एग्जांपल मैं लेती हूँ यष्टि मधु। इन सबका एक जो साइंटिफिक नेचर
इसमें एक स्वीट टेस्टिंग कंपाउंड होता है जिसको एनीथ्रोन कहा जाता है। ये मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। ये एंटीवायरल एक्टिविटी भी दिखाती है क्योंकि वायरस की ग्रोथ को और वायरस का जो पार्टिकल है उसको इनएक्टिवेट कर देती है इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो स्वीटनेस है, एडिशनल स्वीटनेस है, जो ग्लाइसिराइजिक एसिड की वजह से होती है और ग्लाइसिराइजिक एसिड की वजह से ही ये एंटीवायरल भी होती है। इसमें कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि फ्लेवोनोइड्स होते हैं और के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ब्रोमेलिन होती है, सिनामिक एसिड होते हैं। अब फ्लेवोनोइड्स क्या है? फ्लेवोनोइड्स समझ लीजिए एंटीऑक्सीडेंट टाइप है जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। लेकिन फ्लेवोनोइड्स पर भी एक रिसर्च हो चुकी है कि इनको कभी भी विटामिन सी के साथ नहीं यूज करना चाहिए। विटामिन सी के साथ यूज होने पर ये इनएक्टिव कर देते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम होटल में जो दवाई यूज करते हैं वो हमारी जो खाद्य पदार्थ है उसकी पोषक तत्वों को कम कर देती है और हो सकता है संभव है इसलिए हमारे आयुर्वेदा चाहे जो है हमारे रोगियों को कटाई देने के लिए मना करते थे। ये फ्लेवोनॉइड्स के संदर्भ में है बात। अब जैसे कॉमरिन इसमें पाया जाता है तो कॉमरिन का एक साइड इफेक्ट और भी होता है कि वो स्किन रैशेस कर देता है। यही कॉमरिन दालचीनी में भी पाया जाता है। तो इस तरीके के साइड इफेक्ट्स को ये डोज डिपेंडेंट होते हैं, अगर अधिक मात्रा में लेंगे तब ये साइड इफेक्ट है। इसलिए ये आयुर्वेदाचार्य की निगरानी में ही लिए जाने चाहिए, चाहे ये कितने भी सेफ हो लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं देने चाहिए। तुलसी, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हमारा ज्ञान वर्धन कर दिया है सर ने, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ कि तुलसी का सेवन करने से व्यक्ति में स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एज ए एडेप्टोजन ये कार्य करता है। रिसेंट रिसर्च हुई है कि पेन किलर का भी काम करता है। इसके अंदर यूजिनॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है। यूजिनॉल की अधिक कंसंट्रेशन ही इसको पेन किलर के रूप में भी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये कैसा भी इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल हो, फंगल हो, चाहे वायरल हो, हमारी तुलसी सबसे ज्यादा उम्दा औषधि है। पुदीना का भी हमारे आचार्यों ने बताया, अभी सर पूर्व आचार्यों ने भी ये बताया है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल है। सिर्फ उसमें उत्तरदायी तत्व है इसका ऑयल। इस ऑयल के अंदर 29% मेंथॉल है और वही मेंथॉल जिसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स है। आप देखिए जिन जिन द्रव्यों के अंदर फ्लेवोनॉइड्स है वहाँ वहाँ हमको कटाई का सहयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पुदीने की चटनी बनाते समय की कटाई सॉरी कच्चे आम की कटाई, इसका मतलब हम सिर्फ स्वाद को देख रहे हैं, हम उनके अंदर जो पोषक तत्व है उनको वैसे ही नष्ट कर देते हैं। तो हम जो आज का पेशेंट है, जैसा कि पीसी सक्सेना सर ने कहा था कि हर व्यक्ति हर पेशेंट जानना चाहता है कि आज पोषण कैसे कार्य करती है, तो सही बात है। उससे भी जब भी प्रबुद्ध वर्ग में मेरी बात होती है तो एक ही प्रश्न होता है कि मैडम ठीक है आपकी औषधियाँ 5000 वर्षों से काम आ रही है, हम बिना रोके टोके आपकी औषधियाँ काम में लेते हैं, लेकिन हमें बताइए, हमें उत्सुकता है। इस आज हमारा उत्तरदायित्व जनमानस को हर चीज एक्सप्लेन करने का है, चाहे हम साइंटिफिक भाषा में करें, चाहे हम आयुर्वेद के टूल्स विकसित करके करें, लेकिन आज एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे नीम डायरेक्टर इंडिका, उसमें कड़वापन 3 कंपाउंड के कारण होता है। कालमेघ है, बेल है, लहसुन है, ये जिंजर, नारिकेल के भी सर ने बता दिया है, इनोस्पोरो कॉर्डिफोलिया का भी सर ने बताया है, ये भी एडेप्टोजेनिक है। जिस प्रकार तुलसी है बिल्कुल अभी जो स्थान तुलसी की समकक्ष स्थान लिया है वो कुरुची ने लिया है एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी के कारण, स्ट्रेस रिलीविंग और स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी के कारण। इसमें पिक्रोटेन और मर्चिनिन एंजाइम मिलता है जिसके कारण इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अब मैं आपको अंत में यही कहूंगी कि आज जो हमारा नया वर्ल्ड जो जनरेट हो गया है उसमें नई नई बीमारियां आ रही हैं, जो बीमारियां पहले थी वो फिर से नया रूप करके आ रही हैं और कुछ डेलिब्रेटली मर्जिंग भी की जा रही है बीमारियां। तो चाहे वर्ल्ड कैसा भी हो, बीमारी कोई भी आए, चाहे पहले भी चाहे अभी, अगर मनुष्य का शरीर पूरी तरीके से इम्यून है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज हम नए नए वैक्सीन कब तक तैयार करते रहेंगे। तो हमारा एक डिसेलिएंट इम्यून सिस्टम ओवर द लॉन्ग टाइम, ये अब हमें रिसर्च करने की जरूरत है। कि आज हम कह तो देते हैं कि तुलसी खा लीजिए, गुड़ का उपयोग कर लीजिए, लेकिन हमारी ये जो डिसेलिएंट इम्यून सिस्टम बना है इनको खाने से कितनी
वैसे भी आज भी हमारे भारत देश में हाई सॉल्ट, हाई शुगर, हाई फैट और लो फाइबर सिगरेटरी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि आज आयुर्वेद का जो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम लोग फैशन के तौर पर आयुर्वेद को अपनाने लगे हैं, लेकिन हमें एक आयुर्वेद की रिसर्च करके और उसकी यूटिलिटी को स्थापित करना है और आउटसाइड द बॉक्स हमें थिंकिंग बनानी पड़ेगी, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद कंपेरिजन, फिर उसका जजमेंट, और ये सारी बातें हमको हमारे टेक्स्ट से एज ए टिप्स लेनी पड़ेगी। वैसे तो हमें विरासत में इम्यून सिस्टम मिलता है हमारी माता और पिता से, लेकिन वो विरासत में मिलता है यानी हमारी औषधियों को हमें गर्भकाल से ही खिलाना माता पिता को स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी एक सुंदर पीढ़ी बन सके। थैंक यू मैम, कहाँ से आवाज आ रही है?